Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video we will be discussing what is cryptography or difference between public key and private key. So let's start. क्रिप्टोग्राफी, देखो जो क्रिप्टोग्राफी है ना, इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं आपको, तो इट इज़ लाइक आर्ट ऑफ राइटिंग सीक्रेट कैरेक्टर्स. जैसे मैंने अगर किसी को मैसेज भेजा, कुछ ऐसे साइंस और सिंबल्स उसमें थे, ठीक है, और जो सिर्फ वो मैं ही पढ़ सकती हूँ, और जो पर्सन है जिसको मैंने वो लेटर भेजा है वही पढ़ सकता है, तो दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी क्या है? सीक्रेट वर्ड्स में अपनी बात को लिखना या अपनी बात को कहना, ठीक है. ओके, सो क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा. इनक्रिप्शन मतलब एक डेटा को जो रीडेबल फॉर्म में है, से ए बी सी डी ई एफ जी, ये रीडेबल फॉर्म में हम सब पढ़ सकते हैं, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया अनरीडेबल फॉर्म में कुछ ऐसे सीक्रेट कैरेक्टर्स में जो ह्यूमन तो नहीं पढ़ सकता, तो उसे बोलेंगे क्रिप्टोग्राफी, सॉरी उसे बोलेंगे एनक्रिप्शन. और डिक्रिप्शन वो होता है कि ट्रांसलेटिंग द मैसेज जो सीक्रेट कैरेक्टर्स में हमने कर दी है ना, उसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो उसे हम बोलेंगे डिक्रिप्शन, या फिर डिक्रिप्शन ऑफ डेटा, या फिर उसे अन इनक्रिप्टेड मैसेज बोल देंगे. क्योंकि वो जो मैसेज हमारा सिंबल्स और साइंस में था ना, अब वो कहाँ पर आ गया? रीडेबल फॉर्म में. तो जो डिक्रिप्टिंग है वो बिल्कुल ऑपोजिट किसका है? इनक्रिप्शन का है. इनक्रिप्शन में हम रीडेबल से अनरीडेबल में ट्रांसलेट करते हैं, और डिक्रिप्ट करने में क्या होता है? अनरीडेबल से हम रीडेबल में ट्रांसफर करते हैं या फिर ट्रांसलेट करते हैं. ओके, सो क्रिप्टोग्राफी क्या है कि जो रीडेबल है उसको अनरीडेबल बनाना है, और अनरीडेबल को रीडेबल डेटा बनाना है, तो दिस इज क्रिप्टोग्राफी. ओके, क्रिप्टोग्राफी एनेबल्स यू टू स्टोर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसमिटिंग इट अक्रॉस इनसिक्योर नेटवर्क सच एज इंटरनेट, सो दैट इट कैन नॉट बी रीड बाय एनीवन एक्सेप्ट द इंटेंडेड रेसिपिएंट. मतलब जो क्रिप्टोग्राफी है ना, इसमें क्या है कि हम अपना कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव डेटा स्टोर कर सकते हैं, ताकि जो इनसिक्योर नेटवर्क है वहां पे हम अपने डेटा शेयर करें, तो बीच में अगर कोई इसे डेटा को चुराना चाहता है, हार्म करना चाहता है, तो वो ना कर पाए. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो ऊपर लिखा आता है ना कि दिस चैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड. इसका मतलब ये है, अगर बीच में किसी ने आपका जो मैसेज आया हैक करने का ट्राई करा ना, तो उसको डेटा जो मिलेगा ना, वो सारा ऐसी फॉर्म में होगा जो वो बंदा पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है. मतलब वहां पे क्रिप्टोग्राफी यूज करी गई है. आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, आपकी चैट पे शो होगा और दूसरे की चैट पे शो होगा, और कहीं शो नहीं हो सकता. दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी. इन शॉर्ट, क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ सिक्योरिंग डेटा. मतलब अपने आपका जो डेटा है कंप्यूटर में, अगर आप उसको सेव रखना चाहते हो, तो वो किसके थ्रू हो सकता है? क्रिप्टोग्राफी के थ्रू. अ मैसेज सेंड ओवर द इंटरनेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अनरिकग्नाइजेबल एनक्रिप्टेड मैसेज विच इज नोन एज डेटा इनक्रिप्शन. एट द रिसीविंग एंड द रिसीव्ड मैसेज इज कन्वर्टेड टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म विच इज नोन एज डिस्क्रिप्शन. जैसे मैंने अभी बताया कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का डिफरेंस, इनक्रिप्शन वो होता है जो हमारा रीडेबल फॉर्म है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं टू अनरीडेबल फॉर्म, वेयर एज डिक्रिप्शन क्या होता है, जो हमारा अनरीडेबल फॉर्म, जो अनरीडेबल मैसेज है ना, जो साइंस और सिंबल्स में ट्रांसलेट हुआ हुआ है, वो अब ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, तो उसे बोलेंगे हम डिक्रिप्शन. देखो जैसे अगर डेटा बीच में ऐसे हैश, अल्फाबेट या कुछ भी ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एनक्रिप्टेड डेटा, ठीक है, ये हमारा एनक्रिप्टेड डेटा हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे क्रिप्टोग्राफी है, मैंने किसी को ये वर्ड सेंड करा, और बीच में कोई क्रिप्टोग्राफी को लाइक चेक करना चाहता है कि वे टू कॉमर्स से जो मैसेज आया है टू सर्टेन सर्टेन ग्रुप क्या है, तो कोई बीच में उसे हैक करके ट्राई करना चाहेगा, तो उसको ऐसे मैसेज मिलेगा कुछ, मतलब बिल्कुल अनरीडेबल फॉर्म में, कुछ भी जो हम रीड ही नहीं कर सकते, जो सिर्फ मशीन रीड कर सकती है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट क्रिप्टोग्राफी मींस. आई होप आपको समझ आया होगा. क्रिप्टोग्राफी इज अ प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा, ठीक है. सिंपल वर्ड्स में अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें, तो आप ये लिख सकते हो कि क्रिप्टोग्राफी मींस इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा. ओके, सो दिस इज व्हाट इन क्रिप्टोग्राफी इज. यहाँ पे जो हमारा प्लेन टेक्स्ट था,
देखो ये योर पासवर्ड इज यूनाइटेड किंगडम, इसको मैंने इनक्रिप्ट कर दिया तो ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। साइफर टेक्स्ट ये, अगर ये आपको मिले तो आपको समझ आ रहा है कि क्या है, क्या कोड वर्ड्स में है? बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। फिर जब मैं इसको डिक्रिप्ट करूंगी ना डेटा को, फिर ये मेरे को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में मिल जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। वन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हम प्राइवेट की इनक्रिप्शन भी बोलते हैं। इसमें जिस पासवर्ड से मैंने अपना डेटा सेफ प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, उसी से वो अनलॉक होगा, तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, सेम सीक्रेट पासवर्ड और प्राइवेट की इज यूज टू इनक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन और डिक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन। मतलब सेम पासवर्ड, मतलब ABCD, उसी से आप लॉक करोगे और आपको आपको जो मैसेज है ओपन करना है तो ABCD से ही ओपन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई फाइल बनाई, PDF फाइल, उसको मैंने पासवर्ड से लॉक कर दिया 1412 करके, ठीक है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को सेंड करी वो फाइल, अब मेरी फ्रेंड जब उस PDF को ओपन करेगी तो वो उसी पासवर्ड से ओपन करेगी जिससे मैंने लॉक किया है 1412 से। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जब हम स्कूल में सीखते थे सिमेट्री वाला शेप, मतलब कि अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज है, एग्जैक्टली सेम पासवर्ड लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए यूज होगा, और वो सेम पासवर्ड कौन सा होगा, प्राइवेट की। तो उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेट की। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मैं हूं, मैंने PDF बनाई, मैंने उसे लॉक कराया ना, तो वो सिर्फ मुझे ही तो पता है ना पासवर्ड प्राइवेट। अब मैं चाहूंगी अपने फ्रेंड को PDF सेंड करना और फिर मैं उसको बोलूंगी कि आपको रीओपन करना है, इसको अनलॉक करना है, तो यूज 1412 एज ए पासवर्ड। तो मैंने अपना प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड से शेयर करा, क्योंकि मैं उसको वो डेटा, वो PDF शेयर कर रही थी। ओके, देन द नेक्स्ट इज असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम और पब्लिक की एनक्रिप्शन। यहाँ पे हमारे दो कीज यूज होंगे, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। मतलब एक की से हम लॉक करेंगे और दूसरी की से ओपन करेंगे, तो हम उसे बोलेंगे असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट आपको कोई सर्टिफिकेट इशू कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 12th की मार्कशीट आपको इशू की गई है, ठीक है। तो जो 12th की मार्कशीट है, अब गवर्नमेंट ये थोड़ी है कि ए स्टूडेंट का जल्दी से इसका डेट ऑफ बर्थ डालो फिर लॉक करके इसको सेंड करो, बी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ डालो और लॉक करके इसको सेंड करो, ऐसे नहीं करेगी। जो गवर्नमेंट है उसने अगर मार्कशीट सबकी बना दी है, अब वो क्रिप्टोग्राफी यूज करना चाह रही है, उसे लॉक करना चाह रही है, तो वहां पे सिंपली ऐसे फॉर्मेट डाल देगी कि सारी जो मार्कशीट्स हैं ये 5000 स्टूडेंट्स की, इनका पासवर्ड होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की जो गिवन है, और डेट ऑफ बर्थ इनकी ऐसी होनी चाहिए कि पहले डेट होनी चाहिए, फिर मंथ, फिर ईयर। इसी फॉर्मेट में डालेंगे तो इनका डेटा खुल जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने वो ट्रांसफर कर दी स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स के पास जब उनकी मार्कशीट्स आई तो उन्होंने अपनी मार्कशीट ओपन करी, सबने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली और वो रीओपन हो गई। तो दिस इज कॉल्ड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। उसको जो लॉक किया गया था, एक पैटर्न से लॉक किया गया था, और वो पैटर्न सबके लिए अलग 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 डेट ऑफ बर्थ थी, तो दिस इज कॉल्ड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ओके, देन नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट की। पब्लिक और प्राइवेट की का डिफरेंस क्या होता है? प्राइवेट की इज सीक्रेट की नोन ओनली टू द ओनर और द सब्सक्राइबर, वेयर एज पब्लिक की इज नॉन सीक्रेट एंड इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक। देखो, प्राइवेट की तो नाम से ही समझ आ रहा है, समथिंग दैट इज प्राइवेट। सो प्राइवेट की जो है वो हमारी सिर्फ सीक्रेट की होती है, जो उसे क्रिएट करता है सिर्फ उसी को पता होगा, या अगर द पर्सन जिसने बनाई है, फॉर से ओनर या सब्सक्राइबर, अगर वो किसी से शेयर करता है तो उसको पता होगा। तो प्राइवेट की इज ओनली नोन टू द ओनर और द सब्सक्राइबर, वेयर एज जो पब्लिक की है, नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक सबके लिए नॉन सीक्रेट की है, तो दिस कॉल्ड पब्लिक की। जैसे मुझे पता है कि आप लोगों की जो मार्कशीट है वो डेट ऑफ बर्थ से खुलेगी, लेकिन मुझे तो ये तो नहीं पता ना कि किस स्टूडेंट की क्या डेट ऑफ बर्थ है। इवन दो आई नो द पब्लिक की, बट आई कैन नॉट ओपन योर PDF फाइल्स। ओके, प्राइवेट की इज यूज बाय द सब्सक्राइबर टू क्रिएट द डिजिटल सिग्नेचर, वेयर एज पब्लिक की इज यूज बाय द रिप्लाइंग पार्टी टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर। अभी हमने एग्जाम्पल लिया ना गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट ने क्या करा, सबसे पहले क्रिएट करा है ना एक पासवर्ड कि सबका डेट ऑफ बर्थ ही होना चाहिए, तो
वो किससे क्रिएट करा है उन्होंने, प्राइवेट की से, वेयर एज जो पब्लिक की है वो क्या है, रिप्लाइंग पार्टी, वो पब्लिक की यूज करके रीओपन कर सकती है. तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है दैट वाज द पब्लिक की, तो आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला तो आपने रीओपन कर दिया, उससे वेरीफाई हो गया कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से आया और ये आप ही का डॉक्यूमेंट है. तो पब्लिक की से क्या, प्राइवेट की से क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर, वेयर एज पब्लिक की से हम डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करते हैं. प्राइवेट की इज नॉट लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वेयर एज पब्लिक की इज लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. जो हमारा प्राइवेट की है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में नहीं लिखा होगा, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना डिजिटल सिग्नेचर का, उसमें नहीं लिखा होगा. क्यों? क्योंकि इट इज प्राइवेट, वो आपके लिए ही है. वेयर एज जैसे पब्लिक की है वो उसमें लिखा होगा. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड है, सॉरी हाँ डेबिट कार्ड है. डेबिट कार्ड में क्या होता है, 16 डिजिट नंबर लिखा होता है ना उसमें, तो वो क्या है, इट इज नोन टू एवरी वन, सबको दिख रहा है, तो वो हमारा पब्लिक की हो जाएगा. लेकिन जब आपको डेबिट कार्ड मिलता है तो बैंक बोलता है कि आपको पहले हमारे बैंक के एटीएम में जाना होगा और 4 डिजिट का पिन आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा. तो जब आप पिन खुद क्रिएट करते हो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट की, वो आप ही को पता है ना, वो तो कार्ड पे नहीं लिखा था, वो तो आप ही ने क्रिएट किया है. कार्ड पे जो 16 डिजिट का लिखा हुआ था वो पब्लिक की हो गया, और जो 4 डिजिट का कोड आपने जनरेट किया वो आपका प्राइवेट की हो गया. ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.